वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसाला डोसा का मसाला। उसकी स्टफिंग सबसे पहले हमें रेडी करनी होगी। उसका आलू का मसाला हम तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई। इसमें डाला है मैंने 4 चम्मच तेल कुकिंग ऑयल। और तड़के के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल, 1 लाल मिर्च, सरसों के दाने, थोड़ा सा जीरा और हींग। इसे मैं डालूंगी। इसके तड़कते ही मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा करी पत्ता। मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में काट लिया है, ये मैं डालूंगी इसमें। इसको हम भूनेंगे 2-3 मिनट तक। इस तेज से मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सांभर मसाला। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मसालों का यूज नहीं करना है। मसालों में सिर्फ हल्दी और मिर्च का ही यूज करना है, क्योंकि सांभर मसाला में सभी मसाले मिले हुए होते हैं। तो इसमें हमें सांभर मसाला ही मेन है। अब मैं डालूंगी बीन्स, कटी हुई बीन्स। सब्जियाँ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, अपनी पसंद की ले सकते हैं। गाजर, लहसुन अदरक को मैंने कूट के ले लिया है और हरी मिर्च। तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इसे मैं 2-3 मिनट तक कुक होने दूंगी। इस तेज पे मैं डालूंगी 3 टमाटर छोटे छोटे कटे हुए। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। बिल्कुल थोड़ा सा भी मैं डालूंगी नमक, क्योंकि टमाटर डाला है इसलिए हम नमक इसमें डालेंगे और बाकी नमक मैं बाद में डालूंगी। इसे 2-3 मिनट तक और कुक करेंगे हम। हमारी सब्जियां गल गई हैं और टमाटर भी एकदम सॉफ्ट हो गया है। इस स्टेज पे मैं डालूंगी इसमें 12 आलू को मैंने बॉईल करके छील के मैश करके ले लिया है। हल्का हल्का मैंने साबुत ही रखा है, इसको ऐसे ही रखना है, बहुत ज़्यादा इसे मैश नहीं करना है। इसे हम 2-3 मिनट तक भूनेंगे और अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। स्वादानुसार नमक डालिए। दो तीन मिनट आलू को भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। और अब हम 1 मिनट और इसको भूनेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अब हमारा डोसा का मसाला रेडी है और इसे मैं अब सर्व करूंगी। फ्रेंड्स, हमारा तो मसाला डोसा का मसाला बन के रेडी है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है, एकदम चटपटा बना है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और आपका मसाला कैसा बना मुझे कमेंट करके बताएं। मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।